सो फाइनली मीटिंग हो चुकी है डन, और हम लोगों को सबसे अच्छी बात यह है कि एक अप्रूवल मिल चुका है। तांगे वाला फील आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस? मुझे लगा नहीं, मुझे लगा ये बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है काफी, मतलब अच्छा रास्ता। ये हम लोगों की वेकेशन है तो मैं आपको बाहर खोल के दिखाता हूं। But because of Umair or Faisal ki main regular status updates dekh raha tha, I was very much, you know, interested in kaam karna aap log se. Aur achhi part ye ki aapka jo basics cheez hai na, wo not only for matlab India level pe nahi, aap log international level ko consider karke saari se kar rahe hain. So hello guys, welcome to Catnex Digital Media. तो आज हम निकले हैं एक मीटिंग के टूर पर, एक इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग जा रहे हैं एक मीटिंग के लिए। हार्डवेयर से रिलेटेड उनका बिजनेस है, तो देखते हैं वहाँ क्या रिस्पांस रहता है मीटिंग का, फिर आपसे कनेक्ट होते हैं। और हमारे साथ इस वक्त हैं उमेर सर, तो एक बार उनसे एक बार डिस्कस करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस होने वाला है मीटिंग को लेके। तो आइए बात करें। देखो अलीगढ़ का क्या है ना कि क्लाइंट्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं। अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि कहीं से भी मिल सकती है, तो किसी को भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हर किसी क्लाइंट को, छोटा हो बड़ा हो, कोई इशू नहीं है। हमेशा अपॉर्चुनिटी को आगे रख के चलना चाहिए। आप देखते हैं आगे कि किस तरीके का बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। ऑफलाइन नो डाउट लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन अब ये लोग क्या है ना कि ऑनलाइन जाना चाह रहे हैं। सो गाइस कनेक्ट रहिए हमारे साथ और आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं हमारी इस मीटिंग के लिए। दिखाते हैं, अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं। बस कुछ ही दूर का फासला है हमारी डेस्टिनेशन में और हमारा तांगे वाला फील आ रहा। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ये कंस्ट्रक्ट हो रही है फैक्ट्री। सो हेलो एवरीवन, तो फाइनली मीटिंग भी अटेंड हो चुकी है हम लोग की और शेफ सर हम लोगों के सामने बैठे हैं। तो एक बार उनसे एक बार डिस्कस करते हैं मीटिंग के बारे में, कैसा रहा सारी चीज़ें और जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उनके बिजनेस के बारे में। सो एक बार इनसे एक कॉल करते हैं। हेलो फैसल, हेलो मैं, इट वाज नाइस मीटिंग टू यू गूगल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड थोड़ा गैप हो गया था एंड रीजन बीइंग कि हम थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉपर नहीं रहा या फिर थोड़ा डिले हमारी तरफ से भी हुई थी। बट बिकॉज ऑफ उमेर और फैसल की मैं रेगुलर स्टेटस अपडेट्स देख रहा था, आई वाज वेरी मच यू नो इंटरेस्टेड इन काम करना आप लोग से। और आपके जो आज आइडियाज थे, जो प्लान्स थे, हमारा अच्छा डिस्कशन हुआ और आई होप इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग अच्छा काम करेंगे साथ में जुड़ के। और मैंने जो आपको ये टारगेट दिया कि मेरी ब्रांड को कैसे आप लोग उनको टॉप ऑफ ब्रांड्स में करेंगे, तो ये आपको पहला टास्क मेरी तरफ से होगा और इंशाल्लाह पहला टास्क हम लोग टाइम भी पूरा करते हैं तो फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाएंगे वन बाय वन। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि हम लोग साथ मिलकर के इंशाल्लाह से काम करेंगे। अच्छा शिव भाई, जो हमने आपको स्ट्रेटजी जो डिस्कस करी वो जो ईयरली के हिसाब से थी और जो कंटेंट के हिसाब से थी, वो जैसे यहाँ पे मार्केट में और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको कैसी लगी वो स्ट्रेटजी? आपका जो प्लान है, आपकी जो स्ट्रेटजी है टोटली डिफरेंट है, जो रेगुलरली अलीगढ़ बेसिस में चल रही है तो कर रहे हैं। और अच्छी पार्ट ये कि आपका जो बेसिक्स चीज है ना, वो नॉट ओनली फॉर मतलब इंडिया लेवल पर नहीं, आप लोग इंटरनेशनल को कंसीडर करके सारी चीजें कर रहे हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू। और आप लोग यंग जनरेशन, जैसे मैंने आपसे कहा डिस्कशन में भी, और यू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो एंड आई जस्ट प्रे कि आप लोग इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे, अल्लाह ताला बहुत तरक्की अता फरमाए। और लेकिन मेरे काम पे ध्यान देता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जो का पार्ट। बट बहुत अच्छा लगा आप लोग से मीटिंग हुई, अच्छा इंशाल्लाह हम लोग कनेक्ट रहेंगे और आगे भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सो फाइनली मीटिंग हो चुकी है डन और हम लोगों को सबसे अच्छी बात यह है कि एक अप्रूवल मिल चुका है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली मीटिंग हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसी के साथ पहले हम सबसे पहले पूछते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरी दो घंटे की मीटिंग के बाद में। तो चलिए पहले इनसे ही पूछते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं आप लोगों से। सर का टाइटल तो तुम ऐसे दे रहे हो कि मतलब नहीं, मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। और देखो मेन इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, जैसे हम लोग अपना स्टेटस वगैरह डालते रहते हैं, रिव्यूज डालते रहते हैं, उससे क्या हुआ क्लाइंट को एक काफ़ी अच्छा वो लगा कि मतलब जो हमें रिव्यू मिला, मुझे नहीं पता था कि स्टेटस का इतना अच्छा फायदा हो सकता है स्टोरीज का। उन्होंने सबसे पहले यही बात बोली कि मैं आप दोनों के स्टेटस देखते रहता हूँ कि आप लोग क्या डेली अपडेट करते जा रहे हो, कि मुझे मतलब डेली कुछ ना कुछ आपका रहता है, डेली रिव्यूज रहते हैं। और उससे मुझे ट्रस्ट हो गया कि इतने मतलब टाइम में कि एक अच्छा आप लोग वर्क कर रहे हो। और ये है कि और भी लोग हैं मार्केट में, लेकिन आप इसलिए डिफरेंशिएट हो क्योंकि आप लोगों का जो रिव्यूज आ रहा है ना, वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। एग्जैक्टली है ना,
और काफी इम्प्रेस थे और काफी देर मीटिंग हुई है। तो अगर कोई आपको अटेंशन दे रहा है ना इतनी, देखो आपसे ज्यादा सामने वाले का जो टाइम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उसने आपको इतना टाइम दिया अपना इतना बिजी शेड्यूल में से, तो आप ये मानो कि आपको उसके ट्रस्ट पे खरा उतरना है। और यही हमें अपनी टीम को समझाना है, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन जब कोई हमें ट्रस्ट दिखाता है ना, तो हमें उसके ट्रस्ट को पूरा बरकरार रखना है। बाकी तुम्हारा कैसा लगा, तुम्हें क्या क्या चीजें समझ में आई मीटिंग में, ये तो बता दो, मेरे पीछे कैसे करोगे मीटिंग। बस उनको मैं ये नोटिस कर रहा था कि उनके मैं जो वो आइडियाज़ बता रहे थे अपने बिजनेस को लेके, और वो जो हम लोगों की जो हम लोग उन्हें समझा रहे थे, वो किस तरह से हम लोगों की बात को ग्रैब कर रहे थे। तो ऐसे ही ये अप्रूवल जो हमें मिला है आफ्टर 8 months, ये ऐसे ही नहीं मिल गया गाइस। इसके लिए काफी टाइम से मेहनत चल रही थी सब के लिए। नहीं, एक इम्पोर्टेंट ये थी, उन्होंने देखो अब यहाँ पे क्या था ना, उन्होंने ये कहा कि आप पूरी स्ट्रेटजी बना लिए, ठीक है, स्ट्रेटजी हमारे पास ऑलरेडी बन हुई थी, ठीक है। उसमें हमने क्लाइंट को ये टाइम नहीं दिया कि भाई वो चीजों के बारे में हम इतना डिले करें। अगर आप अपना काम टाइम से पहले कंप्लीट करके जाओगे, अगर आप पूरी प्रिपरेशन से जाओगे, तो कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम होगी। आप अगर चीजों पे अपना पूरा परफेक्ट करके जाते हो, तो क्या होता है वहाँ पे चीजें आसान हो जाती है। सो गाइस, इसी के साथ हम ये व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं, और इसी के साथ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमेशा की तरह यही हम बोलेंगे, इसी के साथ ये हम लोगों का इसी के कोई भी बात होनी चाहिए इसी के साथ खत्म होना चाहिए, इसी के साथ। तो चलिए अब हम इसी के साथ कह रहा है, इसी के साथ नहीं, अब हम ये बोलेंगे इस अप्रूवल के साथ हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल, थैंक यू। ओके।